नाउ गुड व्यूअर्स, आज मैं आपको आलू के पराठे बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए 4 अदद आलू चाहिए मीडियम साइज़ के, थोड़ा हमने फ्रेश धनिया ले लिया है, और 2 अदद हमने मिर्चे ले लिए हैं चॉप करके, थोड़ा हमने पुदीना ले लिया है, थोड़ा सा अदरक ले लिया चॉप करके, हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमारे पास कुटा हुआ धनिया है, 1/2 टीस्पून हमारे पास कुटी हुई मिर्चें, नमक ले लिया हमने 1/2 टीस्पून या जायके के मुताबिक, 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, 1/2 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्चें हैं। चलिए हम आलू को मैश कर लेते हैं। अब हमने आलू मैश कर लिए हैं, अब हम इसके अंदर धनिया और थोड़ी मिर्चें ऐड कर देंगे, हल्दी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे, ज़ीरा कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हमने, पुदीना और कुटी हुई हमने थोड़ी सी अदरक ले लिया हमने। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी हमने नमक ऐड नहीं किया, पहले इसको मिक्स करके फिर नमक ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आलू को हमने रोटी को बेल दिया था, उसमें आलू ऐड कर दिए, पूरा सही तरह लगा दिए। अब हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे। डाल दिए, आप नीचे थोड़ा सा घी ग्रीस करके फिर आप इसको पराठे को डाल दिया। अच्छे से पकने दें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ये 2 चटनियाँ हमने आपको बनाना सिखाई हैं, आप उधर जाके देख लें।